हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपके सेहत का दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर अनवर अमीर अंसारी। वेलकम टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्यूरेटिव होम्योपैथी। आपके इस चैनल के ज़रिए हम होम्योपैथी के ज़रिए आम लोगों तक का, आम जनता तक का सेहत के मसाइल और उसका हल होम्योपैथी का क्या है घर बैठे पहुंचाते हैं। आज हमने जो टॉपिक जो सेलेक्ट किया है उसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, हाँ, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत। अब इस कब्जियत के बारे में अलग अलग लोगों के दिलों में, मन में अलग अलग भावना है, धारणा है। आइए हम समझते हैं कि क्या है कब्जियत और किसको हम कब्जियत कहते हैं। अगर हफ्ते में 4 बार या मिनिमम 3 बार पैखाना या संडास ना हो, या अगर 2 दिन में 1 बार संडास ना हो, तो उसे हम कहते हैं कब्जियत। लेकिन हमारी सोच क्या है? अगर हमारे दिल के हिसाब से खुलकर तसल्ली बख्श पैखाना नहीं होता है, हम समझते हैं कॉन्स्टिपेशन। अगर हमें दिन में 3-4 बार संडास होती है तो कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अगर थोड़ी थोड़ी अगर बार बार अगर होती है उसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। लेकिन हमने बताया कि कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। अच्छा, ये क्यों होती है? ये उसकी बहुत सारी वजह हैं। उसमें मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि किसी वजह से जो आंतों की जो एक्टिविटी है या मोटिलिटी हम कहते हैं, उसमें किसी प्रकार से स्लगिशनेस आ जाता है। स्लगिशनेस यानि उसकी एक्शन के अंदर स्लोनेस आ जाता है, जिसे हम स्लगिशनेस कहते हैं। अभी ये 2 किस्म की होती है। एक तो हो सकती है कि एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक। हम जो बात कर रहे हैं वो क्रॉनिक, जो हमेशा जो होती है कि संडास नहीं हो रही है, साफ़ नहीं हो रही है, हमें रोज़ साफ़ होती होते हमारे हिसाब से नहीं होती, सुबह में नहीं होती। अगर सुबह में नहीं होती तो भी कब्जियत बोलते हैं। तो ये हमारे अलग अलग विचार हैं। तो हम जो बात करें उसके लिए बात करें। ख़ास तौर पर जो एक्यूट वाला है वो ख़ास तौर पर बच्चों में थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। इसके लिए हम इस पर ज़ोर नहीं देंगे, क्योंकि वो सर्जिकल कंडीशन हो सकता है, वॉल्वुलस हो सकता है, इंटरसेप्शन हो सकता है। तो ये जो चीज़ें जो स्पेसिफिक जो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंदर जाके उसका वो इन्वेस्टिगेट करके करना पड़ेगा, तो हम वो टॉपिक कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आम तौर के ऊपर जो कब्जियत जो होती है, कॉन्स्टिपेशन जो होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसकी आपने सोचा है कि भाई ये क्यों होती है, हमारी क्या वजूहत है? एक सबसे बड़ी वजह है एलोपैथी की दवाइयाँ। क्यों, कैसे? हमें आदत हो गई है कि ज़रा जलन हो गई, एसिडिटी हो गई, तो हमने जलूसिल पी लिया, ये एंटासिड पी लिया, वो एंटासिड पी लिया, खांसी हो गई कॉफ सिरप पी लिया, इस किस्म की पेन हुआ तो जो दवाइयाँ जो लेती है मॉर्फिन कंटेनिंग जो दवाइयाँ जो होती हैं, पेन किलर्स होती हैं, उससे कब्जियत होती है। खांसी की जो कॉफ सिरप है उससे कब्जियत होती है, एंटासिड से कब्जियत होती है, फिट के लिए जो दवाइयाँ जो ली जाती है उसके लिए उससे कब्जियत होती है। कुछ दवाइयाँ हम हार्ट के लिए, बीपी के लिए लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उससे कब्जियत होती है। लेकिन दोस्तों, हमने कभी भी इसको इससे नहीं जोड़ा, और हमेशा अगर ये होता है तो वो दवा चालू रखते हुए हम कुछ दवाइयाँ की कोशिश करते हैं कि भाई संडास पैखाना कैसा हो, जबकि हमको ये चाहिए कि हम इसकी जो जड़ है उस पर जाएँ, हम समझें कि हमारी आते क्यों स्लो चल रही है। हम वो छोड़कर हम लोग कॉन्स्टिपेशन की दवा पर जम करते हैं। और ये दवा इस किस्म की होती है कि आपको तो पहले आपका पैखाना खोल देती है, लेकिन इन द सेकेंडरी जो उसका जो एक्शन होता है वो और कब्जियत पैदा करती है। इसलिए हम उसके अंदर एक शशोपंच में रहते क्या करें क्या नहीं करें। अब आइए, इसका साधारण जो 80% जो साध्य वजह है जो हो कॉन्स्टिपेशन की, हम उस पर आते हैं। और घर बैठे आप इसका होम्योपैथिक इलाज कैसे कर सकते हैं? जो गिज़ा बताई जो गई है, डाइट बताया गया, फाइबर वाइबर आपको सब जानते हैं, बहुत सारे वीडियो ट्यूब आप देखे हैं उस पर बहुत सारी बताई गई, लेकिन इसके बावजूद भी आपका कब्जियत नहीं जाता है तो आप क्या करेंगे? हम आपको एक साधारण सा नुस्खा बताते हैं, एक दवाई बताते हैं जो जादू जैसा काम करती है, आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये 80% जो हमने बताया कॉन्स्टिपेशन में, इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, वो दवाई का नाम है हाइड्रेस्टिस, HYDRASTIS, हाइड्रेस्टिस। ये टिंचर में आती है दोस्तों। इसका एक कतरा एक ग्लास पानी में डालकर घोल कर आप सुबह में नाश्ते से पहले आप उसको बार बार चुस्कियाँ लेके पीजिए। एक थोड़ा सा लिया, फिर कुछ टाइम के बाद में फिर थोड़ा लिया, ऐसा करके या बाद में भी इस किस्म से पूरा ग्लास ख़त्म कीजिए। और ये रोज़ का अगर आपने मामूल बनाया
तो बहुत मुमकिन है कि बेशतर केसों में आपका मसला हल हो सकता है। अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है अलग अलग वजूहत की वजह से, एक जो खास वजह है उसके ये कि आप जो बच्चों को बोतल की फीडिंग देते हैं, बच्चे जो दूध पीते हैं बोतल में, बोतल के दूध के ऊपर जो बड़े हुए हैं, उनमें कब्जियत आम है। उसके लिए एक दवा है एल्यूमिना, ALUMINA। ये अगर 3 cm या 6 cm अगर इसका सेवन किया जाए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, ऐसे हफ्ते भर तक का, तो ये आपके बच्चे के कब्जियत में बहुत काम आ सकती है। हाइड्रेसिस का इस्तेमाल भी आप बच्चों में कर सकते हैं कि एक कतरा आप शहद में मिलाकर उसको चटा दें सुबह में, तो उससे भी उसका मसला हल हो सकता है। ये रहा जो आम तौर पे बीमारी जो कब्जियत थी उसका, जहाँ के जो एक्यूट प्रॉब्लम होता है ये वो जो थोड़ा खतरे की घंटी भी हो सकती है, आपको उसके लिए सावधान रहना पड़ेगा। हमारा ये यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आप जो ये हमारी जो मिशन है हेल्थ फॉर ऑल बाय 2030, इसमें आप सहयोग करें। अब अपने दोस्त रिश्तेदार अपने पूरे आसपास के जो लोगों में उस पर सब में शेयर करें, और ये आसान जो नुस्खे जो होम्योपैथी के ज़रिए आप फार्मेसी से ले सकते हैं, ये हमारे 2 लाख डॉक्टर्स होम्योपैथी के पूरे हमारे जाल में पूरे हमारे देश में फैले हुए, आप उनके पास जा सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। और अगर कुछ परेशानी आती है या कुछ अगर मामला गंभीर होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे हमें क्लिनिक पर फ़ोन कर सकते हैं या हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, और ये आपका भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर हमको हेल्थ फॉर ऑल बाय 2030 हमको हासिल करना है तो उसमें आपका बड़ा रोल है, और हमें उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल क्यूरेटिव होम्योपैथी को अभी सब्सक्राइब करें, और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें। साथ ही अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और डॉक्टर अनवर अंसारी से सीधे बात करके अपनी बीमारी का इलाज जानने के लिए आप हमारे नंबर पर फोन भी कर सकते हैं।